यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में आदिवासी, दलित और मुसलमानों में गरीबी सबसे ज़्यादा है। आय, संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर किया गया सर्वे सरकार की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि विकास के साथ गैर बराबरी भी बढ़ रही है। एक ओर भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर गरीबी भी अपने पांव तेजी से पसार रही है। देश की आबादी में आर्थिक असमानता की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में जाति के आधार पर सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि भारत का हर दूसरा गरीब शख्स आदिवासी और हर तीसरा शख्स दलित और मुस्लिम है। इस सर्वे में देश के 640 जिलों को शामिल किया गया, जिसकी तुलना पिछले 10 सालों से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश का लगभग 50% आदिवासी गरीब है, 33% दलित और 33% मुस्लिम तबका भी गरीबों में शामिल है। यदि राज्य स्तर पर देखा जाए तो बिहार में 53% और झारखंड में लगभग 45% बहुआयामी गरीब हैं। वहीं इस रिपोर्ट में केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, यहाँ केवल 1% आबादी ही बहुआयामी गरीब है। आय, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर 27% बहुआयामी गरीबों के साथ दुनिया भर में भारत पहले स्थान पर है, जबकि यूनाइटेड नेशन की ही एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 तक 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लेकिन जाति के आधार पर किया गया सर्वे कुछ और ही बयां करती है। भारत सरकार के मुताबिक देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मानव सूचकांक जाति के आधार पर काफी डवाडोल नजर आता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बहुआयामी गरीबी का इंडेक्स आदिवासी, दलित, मुसलमानों के लिए सही नहीं है। इसमें मल्टी डायमेंशनल गरीब व्यक्तियों की आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन और जीवन स्तर शामिल है। इन रिपोर्टों में साफ नजर आता है कि आर्थिक विकास के फल समाज में बराबरी से नहीं बट रहे हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।